हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो था उसका फॉलोअप, और उसमें आज जो है तो हम दो नए स्टॉक ऐड करेंगे। और अभी पोर्टफोलियो की स्थिति क्या है, मार्केट के वजह से उसका क्या हुआ है वो भी देखेंगे। तो हमने पोर्टफोलियो बनाया था 10 अप्रैल के दिन, और हमने लगभग 10,000 रुपीज ईच लगभग 6 स्टॉक में ऐड किए थे। हमारा जो कॉस्ट था वो लगभग 57,000 के करीब था, तो 10,000 रुपीज ईच डाला था। मगर जो 10,000 रुपीज में कभी कभी कुछ स्टॉक जो है तो उतने आते नहीं, क्योंकि यहाँ 300-2800 ऐसे रुपीज़ के स्टॉक थे, तो उनके वजह से ये जो है तो एग्जैक्टली 60,000 का नहीं हो पाया था। तो अभी हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू है लगभग 47,974, तो 48,000 है, लगभग 15% नीचे है। और आज जो है तो लगभग 84 रुपीज का लॉस दिखा रहा है। यहाँ आप देख सकोगे कि लिस्ट परफॉर्मिंग एसेट जो है तो पिरामल इंटरप्राइजेस दिखा रहा है यहाँ। और यहाँ मैंने ये सॉर्टिंग की है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पिरामल 25% नीचे दिखा रहा है या फिर लॉस के साथ दिखा रहा है। डॉक्टर पैथलैब 25%, ऐसे ऐसे लोम्बार्ड लगभग 20%, निपोन लाइफ 13%, बायोकॉन 10% लगभग, और कोलगेट पामोलिव 3%। और यहाँ जो है तो आपको लॉसेज भी दिख रहे हैं। हमने इन्वेस्ट किए थे लगभग यहाँ 9,360, अभी 7,000 रुपये उसकी वैल्यू है, यहाँ 8,400, 6,377, तो आपको ये सब चीज़ें दिख रही हैं। अभी यहाँ इसमें जो है तो हम दो स्टॉक ऐड करेंगे, तो यहाँ हम कैलकुलेटर निकाल के लेते हैं और स्टॉक भी देखते हैं। तो यहाँ मेरा पहला स्टॉक रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा जो है तो अभी 103 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, लगभग आज पॉजिटिव में बंद हुआ है। हालांकि बैंक निफ्टी नेगेटिव बंद हुआ है, मगर बैंक ऑफ बड़ौदा पॉजिटिव में क्लोज देता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ जो है तो इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे विथ मिनिमम 3-5 ईयर्स व्यू, तो 103 का रेट पकड़ के चलेंगे हम यहाँ। और यहाँ जो है तो मेरा जो टारगेट रहेगा इसका मिनिमम टारगेट रहेगा अगले लगभग कम से कम 3 सालों के लिए। तो ये जो पिछला हाई था हमारा लगभग 230 रुपये का टारगेट हम पकड़ के चलेंगे, तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो 10,000 डिवाइड बाय 103 का लेवल पकड़ेंगे आज का, तो 97 स्टॉक आते हैं। तो इसको ऐड कर लेते हैं इसमें हमारे पोर्टफोलियो में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा आज की डेट 8 तारीख क्वांटिटी 97,103 रुपीज NSE एड स्टॉक। तो हमने एक स्टॉक ऐड कर लिया, हमारा लगभग 7वां स्टॉक है। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा उसी सेक्टर से जो रहेगा कैन बैंक, तो कैनरा बैंक। यहाँ भी देख सकते हो आप कि इसको वीकली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ लॉन्ग टर्म बॉटम बनाने के बाद हम जो है तो 200 वीक के एवरेज के ऊपर आए हैं। यहाँ जो है तो एक आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, मगर यहाँ जो है तो अभी भी ये 200 डेज का जो एवरेज है इसको सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ कंसोलिडेशन देने के बाद हो सकता है इसमें थोड़ी सी गिरावट आए, मगर लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि यहाँ जो पैटर्न तैयार हुए हैं और यहाँ एक गोल्डन क्रॉस भी वीकली चार्ट पे हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आगे चल के आपको जो है तो अच्छे खासे गेन दिखने को मिल सकते हैं। और यहाँ हमारे जो पिछले रिकॉर्ड हाई थे लगभग 400 रुपये के, वो भी हमें आने वाले 3-5 सालों में दिखाई दे सकते हैं। तो इसको भी ऐड करेंगे हम, इसका 210 का रेट पकड़ेंगे आज के डेट पे। तो चलो देखते हैं, 10,000 रुपये में डिवाइड बाय 210, तो यहाँ हमें 47 स्टॉक मिलेंगे। तो यहाँ ऐड करते हैं कैन बैंक, डेट ऑफ परचेस 8 तारीख, 47 और 210 का रेट पकड़ते हैं NSE में ऐड स्टॉक। तो हमने अभी लगभग 8 स्टॉक ऐड कर दिए हमारे इस मॉडल पोर्टफोलियो में। और इसमें जो है तो आगे चल के भी हम देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट है, यह आप देख रहे हो कि मार्केट के साथ कैसे एक्सट्रीम ये आते हैं। तो जैसे मैंने कहा, इसको हम रीशफल भी करेंगे, इसमें एवरेज आउट भी करेंगे, और जो स्टॉक हमें अच्छे लगते हैं तो उसमें मैक्सिमम हमारा 10,000 ही इन्वेस्टमेंट रहेगा। हो सकता है कि यह स्टॉक की जो लिस्ट है ये कभी कभी 20-30 तक भी जा सकती है,
और किसी स्टॉक में अच्छा प्रॉफिट आया तो वही स्टॉक हम जो है तो री इन्वेस्ट भी करेंगे जो निचले स्टॉक है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो भी मैंने स्टॉक चूज़ किए हैं ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया है, और उनका जो और ये सिर्फ मैं चार्ट के वजह से ले रहा हूँ, ना कि किसी फंडामेंटल या बाकी चीज़ों की वजह से, ये सिर्फ चार्ट पैटर्न पे मुझे अच्छे लग रहे हैं इसलिए मैंने इन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है। अभी मार्केट ख़राब है तो उसकी वजह से आप जो है तो डीपर करेक्शन देख रहे हो मेरे अमल में और लाल पाइपलाइन में मगर इनके रेट भी आपको लॉन्गर टर्म में ऊपर आते हुए देखेंगे। और यहाँ जो है तो जैसे मैंने कहा, अगर हमारा कोई विनर होता है तो उसी को स्प्लिट करके उसका जो इन्वेस्टमेंट है हम यहाँ एवरेज आउट भी करेंगे अच्छे स्टॉक में, और वो भी टेक्निकल देखने के बाद। तो यहाँ हमने अभी लगभग 8 स्टॉक ऐड कर दिए हैं इस पोर्टफोलियो में, जिसमें ये जो है तो ये नॉमिनल गेन दिखा रहे हैं क्योंकि हमने थोड़ा सा निचला रेट कंसिडर किया है एंट्री के लिए। अभी ये 103.50 चालू है तो 103 किया है, और 210 कुछ चालू है तो 210 लिया है। और यहाँ देख सकते हो आप कि एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है तो मिनिमम 8,400 है, मैक्सिमम 10,200 के अराउंड है, और यहाँ हम ऑन एन एवरेज 10,000 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी हमें कॉस्ट जो है तो दिखा रहा है 76,000, तो 77,000 पकड़ के चलिए, और अभी लगभग इसमें लॉस दिखा रहा है तो 8,000 रुपये का लॉस है हमें, और 11% डाउन है पोर्टफोलियो। तो ये जो है ये पोर्टफोलियो आपको अंदाज़ा देने के लिए कि अगर आप राइट टाइम पर राइट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर उसमें कैसी चर्निंग करनी चाहिए या फिर कैसे एवरेजिंग आउट करना चाहिए, और आपका इन्वेस्टमेंट जो है तो हर एक स्टॉक में सेम रहना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, आपको डाइवर्सिफिकेशन का पूरा जो पावर है वो मिलता है। अगर आप किसी स्टॉक में ओवर वेट जाते हो तो उसके वजह से बहुत दिक्कतें होती, क्योंकि अभी मैंने पीएमएल या फिर लाल पैथमेल लैब में ज़्यादा पैसे डाल दिए होते हैं तो उसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और रिटर्न जो है तो वो सब्सटेंशली जब मार्केट डाउन होता है तो आपको लॉसेस बड़े देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसमें एडवांटेज ये है, अभी 10,000 रुपये में डाल रहा हूँ तो इसमें मुझे ओवरवेट जाना है तो मैं निचले लेवल पे जो है तो उसका एवरेज आउट करके ओवरवेट जाऊँगा, तो ये मेरे लिए एक चांस बना रहता है मार्केट में। तो मेरी स्ट्रेटजी तो यही रहती है स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और यहाँ हमने आज 2 स्टॉक ऐड कर लिए, आगे चल के भी देखेंगे कि इसमें जो है तो और कुछ नए स्टॉक मिलते तो वो भी ऐड करेंगे। इसको हर 2-3 हफ्ते 4 हफ्तों के बाद में जो है तो रिवाइज करते रहेंगे। और आप भी इसको ये जो वीडियो है और ये सीरीज के जो वीडियो है इसको फॉलोअप करते रहिएगा, आपको जो है तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा इसमें से। तो आई होप सो कि जो हमने मॉडल पोर्टफोलियो बनाया है या फिर जो एनालिसिस करते हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपको अगर मेरे प्रीमियम कॉल चाहिए विद लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलोअप तो उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।